Hello dear students, very good morning. Today we are going to discuss about the chemical kinetics, which is the unit number 4th of class 12 chemistry. तो इससे पहले आपने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका डेफिनेशन क्या है और इसका रिक्वायरमेंट हमें क्यों होता है. आज हम यहाँ पर देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर देखिए जरा, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये एक तरह से क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम. यानी कि कंसेंट्रेशन में जो चेंजेस होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपल वे में आपने देखा था कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, कंसेंट्रेशन चेंज. ठीक है, मतलब जो कंसेंट्रेशन में चेंजेस आएगा वो रिएक्टेड और प्रोडक्ट जितने टाइम में आएगा उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन. राइट, अब मैं बात कर रहा हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज तो सबको ही पता होता है, जैसे आपके पास कोई भी व्हीकल है अपने अपनी स्पीड से जाता है, कहीं पे ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है. मे बी एक जगह पे उसका स्पीड क्या हो 60 किलोमीटर हो, दूसरी जगह पे 40 हो, फिर आपका 20 किलोमीटर पर आवर हो. तो जब आप इस तरह से कैलकुलेट करते हो या देखते हो कि हाँ इसकी स्पीड अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग है, तो आप क्या करते हो उसका एक एवरेज रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो. आप क्या करते हो सबको ऐड कर लेते हो, फिर क्या करते हो जितने बार आप देख रहे हो जितने फ्रैक्शन में आप देख रहे हो उसे डिवाइड कर देते हो, तो आपका क्या आता है, एवरेज रेट आता है. ठीक, तो वही आपका एवरेज रेट. क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भी क्या होता है कि इनिशियली रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, फिर उसका रेट चेंज होता है, थोड़ा कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है. तो पूरे टाइम इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, एक रेट निकालते हैं यानी कि एवरेज निकालते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. इनिशियली रिएक्शन क्या हो सकती है, बहुत फास्ट हो सकती है, फिर धीरे हो सकती है, और फिर और धीरे हो सकती है. तो जब रिएक्शन में इस तरह से वेरिएशन आता है तो वहां पर जो कैलकुलेशन करते हैं रेट की या स्पीड ऑफ द रिएक्शन की, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज. राइट, आई होप आपको समझ में आया. ठीक है, और जब भी हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो एक तरह से हमारे पास क्या होता है, जो कंसेंट्रेशन में वेरिएशन देखते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, और जो टाइम हम देखते हैं वहां पर काफी बड़ा टाइम गैप होता है. ठीक, तो अगर मेरे पास कोई सिंपल रिएक्शन है R टू P, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. अब चेंज इन कंसेंट्रेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो आपका क्या होता है रिएक्टेंट, उसे हम इनिशियली किसी टाइम पर क्या मान रहे हैं, R1 T1 पे, यानी कि कोई टाइम है T1 वहां पर आपके पास जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है वो क्या है, R1 है. उस टाइम बाद क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो T2 टाइम पर कंसेंट्रेशन कितना हुआ, R2 हुआ. अगर हम बात करें प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन की तो T1 टाइम पर इसका कंसेंट्रेशन कितना है, P1, और T2 टाइम पर इसका कंसेंट्रेशन क्या है, P2. राइट, अब मैंने अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली लिखना चाहूं इसे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली मैं एक्सप्रेस करूं, मैं लिख सकता हूं इसे रेट इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है, R2 माइनस R1 मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, और फर्दर मैं अगर इस डिफरेंस को शॉर्ट में लिखूं तो वी कैन राइट इट एज अ डेल आर. क्या लिख सकता हूँ, डेल आर, डेल आर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई डेल टी. मैं इतना इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, नेगेटिव साइन में यूज कर सकता हूँ. ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ. ठीक है, एक तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका कंसेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, दूसरा क्योंकि पूरी क्वांटिटी यानी कि जो आपका रेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव में एक्सप्रेस किया जाता है, सिंस ये वाला आपका नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में ये नेगेटिव यूज किया, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, यानी कि रेट पॉजिटिव में एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं. अगर मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं रेट क्या लिखूंगा, रेट इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ये लिख सकता हूँ. ठीक
है, और इसके साथ आप पॉजिटिव साइन का यूज कर सकते हो या फिर पॉजिटिव साइन बहुत जगह नहीं लिखा होता है। तो डेल पी पॉजिटिव लिखा हुआ है मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जब रिएक्टेंट खत्म होगा तभी तो प्रोडक्ट में कुछ चेंजेज आएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आता है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है और यहाँ पर जो डेल्टा है ये इंडिकेट कर रहा है लार्ज डिफरेंस को, इसको इंडिकेट करेगा लार्ज डिफरेंस को। ये वाला जो आपका रेट है दिस इज नोन एज द एवरेज रेट, दिस इज नोन एज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, दूसरी बात जब आप क्या करते हो एवरेज रेट की मैं अगर ग्राफिकली बात करूँ, देखिए जरा एवरेज रेट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में, तो नेट ये आपके पास रिएक्टेंट हुआ, ये आपका टाइम, ठीक है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक, अब इसी टाइम पर सपोज आपके पास जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसके कंसेंट्रेशन में क्या है? कमी आएगी, यानी कि डाउनवर्ड आता जाएगा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ आया, मतलब पहले तो रिएक्शन का रेट क्या होगा बहुत फास्ट होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर इस तरह से। तो रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है विद टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में देखिए जरा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन हुआ विद टाइम एक्सेस। ठीक है, अब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, यानी कि जब आपके पास केवल रिएक्टेंट था जिसे हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके पास क्या था, रिएक्टेंट। तो ठीक है, यहाँ पर था प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, यानी कुछ क्वांटिटी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले तो बहुत तेजी से फिर ऐसा कुछ। ठीक है, तो रिएक्टेंट के साथ जो ग्राफ आ रहा है आपका डाउनवर्ड और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। राइट, ये तो आप सबको बताया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट का डिक्रीज प्रोडक्ट का इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ही रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी। इतना हुआ, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब आप एक लॉन्ग या बड़े इंटरवल के लिए आप क्या देखो, कंसंट्रेशन में चेंजेस देखते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये आपको क्या शो कर रहा है, एवरेज रेट। सिमिलर वे मैं इसके लिए भी देख सकता हूँ। ठीक है, चाहे आप प्रोडक्ट की टर्म में निकालो या रिएक्टेंट की टर्म में निकालो, तो ये आपका क्या होगा, एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट मतलब जब आपके पास टाइम इंटरवल काफी ज्यादा होता है तो वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट। अब मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस रेट की। ठीक है, क्योंकि एवरेज रेट एक तरह से क्या है, एवरेज रेट एक तरह से किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है उसके लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि कहीं पे उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो इसलिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, इंस्टेंटेनियस रेट की जरूरत पड़ती है कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी इंस्टेंट पर किसी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट जब भी करेंगे तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एवरेज रेट तो आपके पास क्या होगा, आप सपोज कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कहीं पे आप बहुत तेज दौड़े, कहीं पे आपने स्लो किया स्पीड, तो आपका एवरेज रेट आता है। ठीक है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर मोमेंट की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, तो उसके लिए जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या होगा, जब टाइम इंटरवल होगा बहुत कम होगा, टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत कम होगा, और जब टाइम इंटरवल बहुत कम होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जैसे ये वाला ग्राफ आपको यहाँ पर इस लेवल से लेकर इस लेवल तक दिख रहा है या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है, तो इंस्टेंटेनियस में किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे होगा, मतलब ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आप लोगे। जैसे सपोज मैं इस पॉइंट पे लेने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आपने टेंजेंट खींचा इस तरह से, इस पॉइंट पे मिलाया, इस पॉइंट पे मिलाया। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए भी आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, तो जब आपके पास ग्राफ इस तरह से आएगा इस लेवल पे, तो
आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि डेल आर बाई डेल टी नेगेटिव में है, जब टाइम इंटरवल बहुत कम, यानी कि टी टेंस टू जीरो मतलब बहुत कम टाइम, टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है बहुत ही कम है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसे हम लिखते हैं डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। डी जो आपका इंडिकेट कर रहा है बहुत ही कम डिफरेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। तो स्मॉल डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन और स्मॉल टाइम इंटरवल, तो ये आपका क्या इंडिकेट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलर वे प्रोडक्ट के टर्म में भी आप लिख सकते हो डेल पी अपॉन डेल टी। अब यहां पर अगर टाइम बहुत कम हो जाए, यानी बहुत कम टाइम इंटरवल के अगर आप कैलकुलेट करते हो रेट को, यानी कि आप लिख सकते हो टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो लिखा तो आप इसे डी पी वाई डी टी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जब भी आप क्या करोगे डेल्टा की फॉर्म में लिखा होगा तो दैट मीन्स वहां पर डिफरेंस ज्यादा है, और डी के फॉर्म में अगर लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बहुत कम है, और ये वाला आपका क्या इंडिकेट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। जो रिलेशन आपके पास एवरेज में होगा वही आपका यहाँ पर भी होता है, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो इतना आपने समझा कि जो आपका एवरेज रेट होता है या इंस्टेंटेनियस रेट होगा उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास है कि जो आपका रेट है अगर वहां पर स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट या कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो उसका हम रेट किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो सिंपल सा रिएक्शन हम लेते हैं, जैसे कि आपके पास था अभी तक कि आर टू पी, चाहे हम इसे एवरेज रेट में एक्सप्रेस करें या इंस्टेंटेनियस में एक्सप्रेस करें, तो दोनों कंडीशन में आपके पास जो रेट होगा, सपोज मैं रेट को एवरेज रेट को इस तरह से लिखता हूँ, एवरेज रेट आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट एज अ डेल आर बाई डेल टी, लिख सकता हूँ एवरेज रेट रिएक्टेंट की टर्म्स में, और प्रोडक्ट की टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डेल पी बाई डेल टी, राइट। सिंपल था, कोएफिशिएंट इक्वल है तब तो आप इस तरह से लिखोगे। सिमिलरली आप इंस्टेंटेनियस भी लिखोगे तो सेम आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके पास क्या चीज आ जाता है, डेल्टा की जगह क्या आएगा, डी डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी पी बाई डी, ठीक है। इतना हुआ डिफरेंस, केवल आपको इतना दिखा हुआ कि आपने डेल्टा मतलब लार्ज डिफरेंस, डी मतलब स्मॉल डिफरेंस, बाकी एक्सप्रेशन सेम है। ये तो सिंपल आपके पास रिएक्शन है जब कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन अगर आपके पास क्या होता है कोएफिशिएंट में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, जरा देखिए। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये मेरे पास रिएक्शन है, यहाँ पर मेरे पास जो रिएक्शन है इनके कोएफिशिएंट अलग अलग है, लेट यहाँ पर कोएफिशिएंट ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो इस कंडीशन में जो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखूंगा, यहाँ पर एवरेज भी उसी तरह से आप लिख सकते हो। तो इंस्टेंटेनियस रेट की मैं बात करूं तो आई कैन राइट एज रेट इक्वल टू कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट I N S, instantaneous rate of reaction. I can write as a d a by d t. ठीक है, reactant है तो negative आएगा, reactant है तो क्या आएगा, negative आएगा, और साथ में जो ये coefficient है कहाँ पर आएगा, divided में 1 upon a negative में d a by d t. reactant दूसरा है b, तो इसे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, negative जो coefficient है divide में आएगा अपॉन बी डी बी बाई डी टी,
क्लियर। अब प्रोडक्ट की बात करें तो पॉजिटिव साइन आता है इक्वल टू वन अपॉन सी स्मॉल सी डी सी बाई डी, ये हुआ। सिमिलर वे फॉर डी आई कैन राइट वन अपॉन डी 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 बाई डी, ठीक है। अब यहां पर जो कोफिशिएंट है वन अपॉन में जा रहे हैं, वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी वन अपॉन डी, क्यों? ताकि हमारे पास जो रेट होगा उसे हम इक्विवेलेंट कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, इक्विवेलेंट रेट आएगा और जो भी आपके पास जहां पर भी आपकी इस तरह की रिएक्शन दिखेगी जहां पर कोएफिशिएंट अलग अलग है उन्हें आप क्या कर दोगे, डिवाइड में ले जा लोगे, ठीक है, डिवाइड में लिखोगे। अब देखिए जरा एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट है टू, यहाँ पर टू और यहाँ पर वन। तो इसके लिए अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखूं तो आई कैन राइट इट एज आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपके पास क्या है एनओ टू, कोएफिशिएंट कितना है टू, सो दैट आई कैन राइट नेगेटिव साइन आएगा वन अपॉन टू डी एनओ टू डिवाइडेड बाई डी थ्री, ये तो रिएक्टेंट हुआ। अब अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं तो रेट इक्वल टू वन अपॉन टू डी एन ओ बाई डी टी। एक और प्रोडक्ट आपके पास है ओ टू इक्वल टू डी ओ टू बाई डी, ठीक। कुल मिला के आपके पास जो भी ऐसी रिएक्शन है जहां पर कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं वहां पर आपको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड में करोगे वन अपॉन टू नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है वन अपॉन टू, यहाँ पे कोएफिशिएंट वन है, ठीक है, तो डी ओ टू बाई डी टी। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर कोएफिशिएंट हमारे पास अलग अलग होते हैं तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन एस थ्री प्लस ओ टू गिव्स गिव्स आपके पास एनओ एनओ प्लस एच टू। ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है और अगर मैं बैलेंस करूं इसे तो आपके पास जो कोएफिशिएंट आएंगे, कोएफिशिएंट आपके पास होगा यहां पर फोर, यहां पर फाइव, यहां पर फोर और यहां पर सिक्स, ये कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे है बैलेंस करने के बाद। अब अगर मैं रेट लिखूं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे तो देखिए जरा, रेट इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आई कैन राइट बिकॉज दिस इज रिएक्टेंट तो नेगेटिव साइन आएगा वन अपॉन फोर डी एन एस थ्री डी एन एस थ्री बाई डी टी, कोएफिशिएंट फोर है डिवाइड में फोर आया, ये भी रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ में, नेगेटिव डी ओ टू बाई डी टी हो गया। कोएफिशिएंट कितना है फाइव, तो यहां पर आपके लिखे फाइव। यहां आगे देखिए प्रोडक्ट में डी एन ओ बाई डी टी, कोएफिशिएंट में कितना है फोर, यू कैन राइट वन अपॉन फोर, ओके। लास्ट आपके पास है एस टू, कोएफिशिएंट सिक्स, वन अपॉन सिक्स डी एच टू ओ बाई डी टी, ये आपके पास होगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो आप सीधा क्या करोगे, डिवाइड में करोगे, मतलब जो आपके पास रेट है आप इस टर्म में लिख सकते हो, इस टर्म में लिख सकते हो। जब भी आप रेट लिखोगे तो जो कोएफिशिएंट होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में उसे आप डिवाइड में लिख दोगे, ठीक है। ये आपका रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे आप अगर मैं रेट की बात करूं, ये भी रेट है, इसके टर्म में लिख सकते हो, इसके टर्म में लिख सकते हो या इसके टर्म में लिख सकते हो, जो भी आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनके टर्म्स में आप लिख सकते हो, क्लियर। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करूं, कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NS3, रेट ऑफ अपीयरेंस सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस गायब हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NS3 कितना होगा, केवल इतना होगा, दैट मींस देखिए जरा, इनमें से आप किसी भी एक को ले लीजिए, अगर मैं रेट की बात करता हूँ तो रेट मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट है,
अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि NH3 डिसअपीयर होगा, O2 डिसअपीयर होगा, ये वाला अपीयर होगा, ये वाला भी अपीयर होगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, ठीक है, NH3 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, डिसअपीयरेंस केवल इतना वाला के बारे में करना, टर्म आपको दिख रहा है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक, तो रेट इक्वल टू 1/4 है डी NH3 बाई dt, इतना आपको दिख रहा है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमें अगर देखना है तो केवल आपको कौन सा टर्म लेना होगा, डिफरेंशियल फॉर्म वाला जो आपको दिख रहा है वही आपको लेना होगा। तो देखिए मैं लिख सकता हूं यहां पे dNH3 by dt equal to negative में ये 4 इस तरह से आएगा, यानी कि 4 into rate of reaction, rate of reaction जो हमारे पास यहाँ पर reaction दिया हुआ है उसका रेट into 4, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ disappearance of अमोनिया। अब अगर हम देखें, एक तो ये हो गया रेट ऑफ disappearance ऑफ अमोनिया, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, जो अभी हमने रिएक्शन लिया था उसी में अगर हम देखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो रेट आई कैन राइट, रेट क्या था, 1/5 था वहां पर dO2/dt, इतना था। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 कितना होगा, इतना होगा, तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो I can write as dO2/dt, ये लिख सकता हूं, ओके, ये का ये आपका जो टर्म है ये इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, इसको आप इस तरफ ले जाओगे तो 5 into रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप रिप्रेजेंट करोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, 5 into रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। इसी तरह से आप रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिख सकते हो, अगर हमारे पास क्या है NO है या फिर H2O है, जो आपके पास रिएक्शन है वहां पे जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी, NO की, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, ठीक। अभी आपने देखा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, तो कोफिशिएंट कितना आया था, 1/4 dNO/dt, इतना था। अब रेट ऑफ अपीयरेंस कौन सा होगा आपके पास, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा ये वाला, रेट ऑफ अपीयरेंस केवल इतना है, तो इसके टर्म में अगर आप लिखोगे